हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, हमारा ये चैप्टर है 5, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। इसमें हमारा पार्ट 1 हो चुका था और आज हम इसके पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है सेव ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाता है, ठीक है। After a completing the work, save the document with a proper file name so that you can use it later. Work को complete करने के बाद हमें document को save करना होता है। After completing the work, save the document, यानी कि हमें work को complete करने के बाद document को save रखना होता है, ठीक है। With a proper file name, proper file name, एक सही फाइल के नाम से सेव करना पड़ता है उसे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो दैट यू कैन यूज़ इट लेटर, इसीलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेप टू सेव द डॉक्यूमेंट आर, डॉक्यूमेंट को सेव करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है क्लिक ऑन फाइल टैब। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन, देखो फाइल टैब ये वाली होती है, फिर सेव एज ऑप्शन देखो यहाँ पे है। क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज पेन अपीयर्स ऑन द राइट, राइट में दिखाई दे रहा है ना हमें। थर्ड है क्लिक ऑन द कंप्यूटर और डबल क्लिक ऑन द ब्राउजर इन द राइट पेन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जहाँ पे डायलॉग बॉक्स ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें क्या दिखाएगा, या तो कंप्यूटर दिखाई देगा, ब्राउजर दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर में यहाँ पे क्या है, डायलॉग बॉक्स और व्यू दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, और डबल क्लिक से ब्राउजर भी दिखाई देता है, ठीक है। फोर्थ है टाइप ए फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। यहाँ पे फाइल नेम, ये देखो फाइल है, पूरी की पूरी फाइल है, और इसमें यहाँ पे हमें नेम लिखना होता है, और उसके बाद अब उस पर जब नेम लिख देंगे तो हमें यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है ना, उस पर हम सेव बटन से क्लिक कर देंगे, सेव बटन पे, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है, टू सेव ए डॉक्यूमेंट CTRL+S, यानी कि Ctrl+S। CTRL की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल, ठीक है, CTRL+S, सेव ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। रिमेंबर के लिए क्या करना है, यू कैन आल्सो यूज सेव ऑप्शंस इन द फाइल टैब टू सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो हमारे न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो फाइल टैब है उसमें सेव ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड टू सेव द चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, व्हाइल द सेव एज ऑप्शन इज़ यूज्ड टू सेव द डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम, ठीक है। इसमें हम जो सेव एज ऑप्शन क्या करता है, बाय चांस हमने किसी एक नाम से सेव किया, ठीक है, और अब हमें ये वो नेम नहीं चाहिए, हमें किसी और नाम से सेव करना है, तो हम उसे सेव एज ऑप्शन के द्वारा उसे किसी और नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर है टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग क्या होता है, ठीक है। द टर्म एडिटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। जो टेक्स्ट एडिटिंग की जो टर्म होती है वो क्या करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, वो करेक्टिंग करती है, डिलीटिंग करती है, ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कोई भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें वो क्या देखती है, वो सही भी करती है और इसे डिलीट भी कर देती है, ठीक है। बिफोर यूज एडिटिंग, एडिटिंग यानी किसी चीज़ को जोड़ने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द टेक्स्ट सिलेक्शंस, हमें क्या है, हमें टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में सीखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट इट, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे है सिलेक्टिंग टेक्स्ट, द स्टेप्स टू सिलेक्ट ए टेक्स्ट यूजिंग माउस आर। फर्स्ट है प्लेस, जो सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए क्या माउस के यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेलेक्ट टेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट है प्लेस द माउस कर्सर्स एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे इसे, इसे क्या है, माउस के का जो कर्सर है स्टार्ट में या फिर एंड में रखेंगे, टेक्स्ट के जो हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके या तो स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में हम उस माउस को लेकर जाते हैं और वहाँ पर कर्सर आ जाता है, ठीक है, रखते हैं। प्रेस क्या करेंगे, प्रेस द माउस बटन, और माउस बटन को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे, एंड ए ड्रैग इट
टू द एंड या और स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, और वहाँ पे क्या करेंगे हम ड्रैग करते हुए चले जाएंगे एंड से या फिर स्टार्ट से माउस बटन से, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस आर फॉलोइंग। फर्स्ट है प्लेस द माउस कर्सर एट द स्टार्ट एंड टू द टेक्स्ट। सेकंड है प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द एंड स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट। और फिर थर्ड में क्या करेंगे हम इसे रिलीज द माउस बटन, और माउस बटन को क्या कर देंगे वहाँ पे रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं सेलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस आर फॉलोइंग। फर्स्ट है प्लेस द माउस कर्सर्स एट द स्टार्ट टू स्लैश एंड ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ से या तो आप इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, या फिर इसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। एंड कर सकते माउस को यहाँ पे रख सकते हो, या तो यहाँ से स्टार्ट करके लिख सकते हो या फिर यहाँ से, ठीक है। फिर है अब हमारा प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द एंड और स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट एंड ऑफ द स्टार्ट एंड और स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम प्रेस करेंगे और माउस बटन से उसे क्या कर देंगे उसे इस तरह से सारे को ड्रैग करते हुए चलेंगे, ठीक है। रिलीज द माउस बटन और माउस बटन से उसे रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं रिलीज द माउस बटन, माउस बटन को रिलीज कैसे करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर टेक्स्ट सिलेक्शंस के लिए, फर्स्ट है सेलेक्ट कैरेक्टर टू द लेफ्ट। कैसे करेंगे सेलेक्ट कैरेक्टर टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, ठीक है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। सेकंड है, सेकंड क्या है इसमें, सेलेक्ट द कैरेक्टर टू द राइट, शिफ्ट प्लस राइट एरो की, देखो ये वाली होती है ना राइट एरो की। थर्ड है सेलेक्ट कैरेक्टर्स डाउनवर्ड, कैरेक्टर्स डाउनवर्ड क्या होती है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस कोमा, ठीक है, डाउनवर्ड की, डाउन एरो की है जो नीचे को होती है, ठीक है। फोर्थ है सेलेक्ट कैरेक्टर अपवर्ड, ये क्या होता है, शिफ्ट प्लस अप रो अप एरो की, ये अप एरो की यूज़ किए जाते हैं। फिफ्थ है सेलेक्ट ए लाइन फ्रॉम द पोजिशंस ऑफ द कर्सर टू एंड ऑफ द लाइन, शिफ्ट प्लस एंड, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंड बटन। फिर है सिक्स है सेलेक्ट ए लाइन फ्रॉम द पोजिशंस ऑफ द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे पोजिशन से, कर्सर से, और उसे बिगन से लेके एंड तक जाते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्लस बिगनिंग होम, ठीक है, ये कौन सी है एरो की, होम एरो की। फिर है सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, एंटायर डॉक्यूमेंट यानी कि सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सीटीआरएल प्लस ए का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है अब हमारा इन द सेम वे, नोट में पढ़ क्या है, इन द सेम वे सभी सामान रास्ते पे यू कैन आल्सो सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट लाइक इमेज शेप इत्यादि, और उसमें क्या सिलेक्ट कर सकते हो आप अलग तरह के ऑब्जेक्ट जैसे इमेज हुई, शेप और एग्जेक्ट्रा, ठीक है। फिर है डिलीटिंग द टेक्स्ट क्या करता है, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स वाइल टाइपिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं कुछ जब कोई हम है ना जब कुछ लिखते हैं टाइपिंग करते हुए तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वी कैन डिलीट और रिमूव द टेक्स्ट एंड रीड टाइप द करेक्ट टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं जब हमारा हम कोई टाइपिंग करते हैं और हमसे उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और रीड टाइप द करेक्ट टेक्स्ट और उसे दोबारा से सही कर सकते हैं उस सेंटेंस उस टेक्स्ट को, ठीक है। टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, टेक्स्ट को कई मेथड से डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें देखो, डिलीट फर्स्ट है इसमें डिलीट की, की को कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज टू बी रिमूव्ड बाई माउस क्लिक और एरो कीज एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रसर को उस स्थान पर रखेंगे जहाँ से बिगिनिंग से जिस टेक्स्ट से हमें वो
जो कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी कि कोई भी वर्ड लिखा है वहाँ पे हम शुरू में ही क्या करेंगे कर्सर को ले जाएंगे और उससे क्या करेंगे उससे वहीं से ही हटाते चलेंगे, माउस से क्लिक से करेंगे और फिर या फिर एरो की से उसे कर सकते हैं। ठीक है, माउस क्लिक के द्वारा और एरो की के द्वारा हम उसे उसे डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। और किससे भी सिंपल कर सकते हैं हम, सिर्फ कीबोर्ड में जो डिलीट का कीवर्ड होता है उससे भी प्रेस करने से हमारा वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर अब हमारा सेकंड बैक स्पेस, देखो हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट में देखो, अभी आप फर्स्ट में हमने क्या है देखो यहाँ पे फर्स्ट कर्सर रखा है तो कर्सर से फिर क्या करेंगे डिलीट करेंगे माउस से कर्सर से, तो देखो ए चला गया ना अब यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा बी सी। ऐसे अब हमारा सेकंड है, सेकंड में बैक स्पेस कवर क्या होता है। ठीक है, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय माउस क्लिक और एरो कीज एंड प्रेस द बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड। हम क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे जो बैक स्पेस यहाँ है, यहाँ पे कर्सर है लास्ट में एंड में, और उससे क्या करेंगे माउस से लास्ट वाला वर्ड फिर हटाते हुए चलेंगे। ठीक है, वो बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे जो कीबोर्ड में है ना बैक स्पेस की, उससे भी हम ये प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, माउस क्लिक से और एरो की से। ठीक है, थर्ड है इसमें सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड एंड प्रेस डिलीट बैक स्पेस की। हम क्या करते हैं, हम कोई टेक्स्ट से डिलीट भी कर सकते हैं और बैक स्पेस की, ठीक है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा इंसर्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ड को जोड़ने के, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, नाउ न्यू टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, द स्टेप्स टू इंसर्ट द टेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप प्लेस द कर्सर एट द लोकेशंस वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट, सेकंड नाउ स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में कोई भी न्यू टेक्स्ट है तो इंसर्ट करने के लिए कोई अलग टेक्स्ट भी लिखना होता है, तो उसमें कौन सा इंसर्ट टेक्स्ट को कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप प्लेस द कर्सर एट द लोकेशंस, उस कर्सर को वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ से आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, एंड नाउ स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट, और उससे वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब है थर्ड है यहाँ पे ये है फिर यहाँ पे क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन द डॉक्यूमेंट यू कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट, काम मतलब डॉक्यूमेंट में वर्क होने के बाद आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, द स्टेप टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेकंड है क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शंस और क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, द डॉक्यूमेंट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे नोट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम नोट पढ़ते हैं, इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड योर डॉक्यूमेंट देन एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स टू कंफर्म अबाउट इट। अगर आप उसे फाइल भी जो भी बनाई है आपने अगर उसे सेव नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं, तो वो एकदम से आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाता है कंफर्म करने के लिए। क्या कंफर्म करने के लिए दिखाता है, फर्स्ट टैग क्लोज द डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग, यानी कि आप इसे बिना सेव किए ही आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, सेकंड है सेव द डॉक्यूमेंट बिफोर क्लोजिंग, यानी कि इसे क्लोज करने से पहले आप इसे डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, थर्ड दिखाता है कैंसिल द क्लोज एक्शन, या फिर इसे क्लोज जो आप इसे क्लोज करना चाहते हैं उसे कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, हेयर क्लिक द रिक्वायर्ड बटन, देखो फर्स्ट ये रहा आपका, ठीक है, सेकंड ये रहा डोंट सेव, और ये सेव, और ये थर्ड है कैंसिल का। ठीक है, ये आता ऑप्शन। ठीक है, फिर अब हमारा ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे, फिर बाहर से ओपन डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है, एज यू नो दैट द सेव्ड डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन टू व्यू और मॉडिफाई एट एनी टाइम, हम डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी सेव डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेप्स टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो बाहर से डॉक्यूमेंट से भी हम ओपन कैसे करेंगे स्टेप वाइज, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ये रही फाइल टैब, सेकंड क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शंस, ये रहा क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शंस, थर्ड है क्लिक ऑन कंप्यूटर इन द राइट पेन, क्लिक ऑन द कंप्यूटर राइट पेन, ये रहा ना यहाँ पे, फिर फोर्थ है क्लिक ऑन द ब्राउजर बटन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, जहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अपीयर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो फोर्थ, फोर्थ कहाँ पे है, नहीं है ना इसमें, अभी दिखाया है, क्लिक ऑन द ब्राउज़र, देखो ये जो ब्राउज़र पे दिखाई दे रहा है यहीं पे बटन पे ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर्थ, ठीक है ये ब्राउज़र दिखाई दे रहा है ना। फिफ्थ है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन, हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑन द ओपन, देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट के बाद उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर देंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है। फिर है द सिलेक्ट फाइल विल बी ओपन इन द वर्ड विंडो, वर्ड विंडो पे हमें ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर है एग्जिस्टिंग वर्ड, वर्ड से हमें वर्ड से बाहर आने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। फिर है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क यू कैन क्लोज द वर्ड विंडो, ठीक है, सब वर्क हो जाने के बाद क्या करेंगे आप वर्ड विंडो को क्लोज कर देंगे, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार, देखो यहाँ पे क्लोज बटन दिखाई दे रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा ये क्लोज बटन दिखाता है टाइटल बार पे, ठीक है। क्लोज द वर्ड विंडो, वर्ड विंडो को क्लोज करने के लिए टाइटल बार पे हमें क्लोज बटन दिखाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्विक, फटाफट हमने जो भी अभी पढ़ा है उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं, ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। फर्स्ट है देखो, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है ए वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन द इन फॉर टाइपिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग द टेक्स्ट, जो वर्ड प्रोसेस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारी सहायता करता है टेक्स्ट को की टाइपिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। सेकेंड है एम एस वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कॉमनली नोन एज वर्ड, जो एम एस वर्ड भी है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, ठीके? वो क्या, वो किस नाम से जाना जाता है, वर्ड से, ठीक है। थर्ड है द टर्म एडिटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, जो एडिटिंग रेफर करता है वो क्या करता है, करेक्टिंग डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में करने मॉडिफाई करने के लिए, करेक्टिंग डिलीटिंग और मॉडिफाई करने के लिए हम एडिटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है इसमें फन जोन के लिए हम कुछ पढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग कीज की कॉम्बिनेशंस विद देयर फंक्शंस, की कॉम्बिनेशंस और एक्शन वर्ड, ठीक है। इसमें क्या है CTRL+A किसका यूज़ किया जाता है, सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट F, जो फर्स्ट है ये हमारा F पे जाएगा, ये हमारा फर्स्ट है जो ये हमारा F पे जाएगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है इसमें विंडो प्लस आर का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, इसमें ओपन द रन डायलॉग बॉक्स सेकेंड, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। थर्ड है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का यूज सेलेक्ट कैरेक्टर टू द लेफ्ट, ठीक है, ये हमारा थर्ड की रहेगा, ठीक है। फोर्थ है शिफ्ट प्लस एंड क्या है, सेलेक्ट ए लाइन फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में, ठीक है, फोर्थ ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है शिफ्ट प्लस राइट एरो की, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द राइट, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है शिफ्ट प्लस होम, होम का किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, सेलेक्ट ए लाइन फ्रॉम द पोजिशन द कर्सर टू द एंड ऑफ, सॉरी बेटा, ये जो हमारा फोर्थ है ये फोर्थ होएगा, ठीक है, सेलेक्ट लाइन फ्रॉम द पोजिशन द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, और ये हमारा सिक्स्थ होएगा, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट प्लस होम के लिए क्या यूज होगा, सेलेक्ट ए लाइन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द बिगिन ऑफ द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, ये हमारा होगा। बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया, इसके एक्सप्लेनेशंस आप घर पर ही इसके केयरफुल्ली लर्न करेंगे, ठीक है, और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, आज ये वर्क कंप्लीट होता है, इसके बाद हम बुक वर्क और कॉपी वर्क करेंगे, ओके, थैंक यू बच्चों।